उठो यार, बंदे हो के चावल हो। कमल जाने लगी है अपने मैके। बजा आएगा ना ने पकड़े। ये आपकी पोती जी। अपनी दादो के सपोर्ट। ठीक है, अभी हम लोग जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए। नाश्ता करने कोई बाहर नहीं जा रहे, मतलब हम लोग यहाँ ही नाश्ता करने लगे हैं। लेकिन दरअसल हम लोग अपने रूम से निकलकर और नीचे वाले डाइनिंग टेबल से निकलकर ऊपर वाले डाइनिंग टेबल में जा रहे हैं। डैडी मेरे बैठकर इधर सुबह सुबह ही शेव कर रहे हैं अपने आप को निखारने की कोशिश। वो वैसे आपकी ये मूछे ना काली होने वाली है, मतलब बुढ़ापे से जवानी की तरफ वापस जाना पड़ेगा। करवा के आए या कलर ले आए घर ही? और ऊपर तो नाश्ता करने वाले हालात ही नहीं है, जिस कदर गंद बिखरा हुआ है यार। ये चेक करो, ये चेक करो, ये सोफे के ऊपर कंबल चेक करो, क्या ही बात है। हम लोग नाश्ता करने के लिए अपने फर्स्ट फ्लोर पर आए हैं कि ऊपर जाकर नाश्ता करते हैं, लेकिन यहाँ पर हालात बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। इसीलिए अम्मी कह रहे थे कि एदल को मुझे पकड़ा दो, ऊपर तो हालात ही नहीं है, अभी इन हालात को बेहतर करना पड़ेगा बेगम। वाह भाई वाह, ये तो रेडी हो गया है हमारा शुरैक, बेस्ट हो गया है ना। अब ये गंद का क्या करना है ये बता दो। ये मैं उठा के रखती हूँ, सासा नाश्ता बनता है, मुझे बताती है आपके कौन से कहाँ रखने हैं। बस ये इस साइड पर मेरे शू रख दो, इस साइड पर अपने रख। ठीक है ना, वाली साइड पर अपने रखो। हाँ, तंगी वाली पे तुम अपने रख लो ना, मैं जरा दांत ख्याल हूँ ना, मेरे खुली डुली साइड पर थोड़ा सा ख्याल कर लो मेरे भाइयों। उठ जाओ, नाश्ता कर लो, क्यों सो रहे हो तुम लोग? चाल है यार उठ जाए, वो भी सो रहा है, ये भी सो रहा है, इब्रार भी, यहाँ शेख सो रहा है और उठने का नाम ही नहीं ले रहे। हेलो, नाश्ता कर लो अफसाब, उठ जाओ यार। नाश्ता नहीं करना, सुबह नहीं हुई यार, सो रहे लोग। क्या सुबह नहीं हुई? सो रहे लोग सुबह नहीं हुई? तो मैं क्या पागल का बच्चा हूँ जो रात के टाइम उठ कर बैठ गया? सुबह हो गई है बेटा, उठो नाश्ता करो। 10 बजे सोए हो? 10 बजे क्यों सोते हो यार? 10 बजे रात के 10 बजे सोए हो ना? ये भी देखो खारिश कर रहा है, देख उठ यार। उठो यार, ओए ब्रारे, ओए हमजा, गुल्लू, उठो यार, बंदे हो के चावल हो। चवल भी सरदार हो, बता दिया ना अब्बू उसने कि वो चवल है। उठो उठो, बताए अब्बू को भी कि आप चवल हो, उठ करो, उठो नाश्ता करो, उठो उठो, मुर्दे हो घीरा खाओ। अभी जी मैं अपने जितने भी शू हैं उनको शू रैक में रख रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता से। अभी और भी ला दो, ये मेरे हैं फॉर्मल वेयर शूज, तो इनको ऊपर ही रख देता हूँ बिकॉज बहुत ही कम इस्तेमाल में आते हैं। जो कम इस्तेमाल में आते हैं उनको ऊपर रखता जा रहा हूँ, जो ज्यादा इस्तेमाल में आते हैं उनको नीचे रखता जा रहा हूँ। फॉर्मल वेयर बंदा कभी कभी पहनता है यार। ये भी फॉर्मल वेयर है, इनको भी ऊपर रखूंगा। ये और ये ज्यादा इस्तेमाल वाले हैं तो इनको इधर रखूंगा, इधर रखता हूँ। ये इधर आ जाएंगे, ये लॉन्ग वाले हैं ना, लॉन्ग वाले और लेसिस वाले इस वाले में आ जाएंगे, और जो दूसरे वाले हैं वो इधर आ जाएंगे, जो जॉगर लेसिस वाले हैं वो इधर आ जाएंगे, जो फॉर्मल है वो ऊपर आ जाएंगे, और जो ज्यादा इस्तेमाल वाले विदाउट लेसिस हैं वो नीचे आ जाएंगे। ठीक है, ये विदाउट लेसिस है ना, हाँ इनको इधर ही रख दे। ठीक है ओके, ये भी फॉर्मल है, इनको भी मैं ऊपर, ओहो नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, ये पकड़ाइएगा, चलो मैं खुद ही पकड़ता हूँ, कोई मसला नहीं, कोई मसला मैं पकड़ता हूँ, मुझे देने। ठीक है ठीक है, इनको भी इधर ही रखूँगा। चल ऐसे हो गया सर। हाँ जी, अभी जी अपने नाश्ते में अंडा पराठा और साथ में चाय मिल जाएगी तो काम मजेदार हो जाएगा जी। शू वगैरह तो हम लोगों ने फाइनली रख ली है 2 घंटे लगाने के बाद। अभी मैं कुछ अपने पुराने कपड़े निकाल कर लाया हूँ जो के ना पता नहीं किस जगह दफन थे, और जो पहनने वाले भी अभी है सर्दियों वाले हैं, मतलब ये इधर रख दिए, अभी इनको इन्हीं सर्दियों में पहनूंगा यार, बिकॉज जाया हो जाने थे। अभी जी मैं रेडी शेडी होकर जाने लगा हूँ अपनी कटिंग शेडिंग करवाने के लिए। आज मेरा प्लान है कि कुछ बालों का ना अलग से डिजाइन बनवाऊंगा। मैं तो सैलून जाने लगा हूँ और कमल जाने लगी है अपने मैके घूमने फिरने। मैंने कहा चलो घूमाओ भाई, हाँ घूमाओ। अभी जी हम लोग फाइनली सैलून पहुँच गए हैं और मैंने अपनी सीट संभाल ली है, शेख ने अपनी सीट संभाल ली है, हमजा ने अपनी सीट संभाल ली है, इब्रार कहाँ है? इब्रार वो वॉशरूम, अच्छा उसने अपनी सीट संभाल ली है। यार देखो अगर कलर करवा रहे हो ना तो ग्रीन करवाओ। दिमाग खराब है, दिमाग क्या खराब है यार? तू चंदा के अब्बा करो, नहीं निकालता अब्बा कर दे भाई। नहीं तुम बताओ कौन सा तुम्हारा क्या दिल है? मैंने कह रहा तू मेरा पुत्र नहीं है, तू मेरा पुत्र नहीं। अभी कौन सा करवाने लगे हो? मैं डार्क ब्राउन डार्क ब्राउन मतलब यार ये करवा ये करवा ये वाला करवा, मैं उसकी बात करूँ पिंक करवाने
येलो येलो करवा ले, सही कह रहा हूँ। वो कह रहा मैंने ज्यादा लेनी है इससे भाभी से। अच्छा ले लो ये ज्यादा। मैंने इसको पता कौन सा कलर बोल रहा हूँ। हाँ अगर करवाना ही है ना इसको, मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला कलर प्यारा ये। हाँ ये करवा, ये भी अच्छा है यार, यही कलर करा। थोड़ा यूनिक पे जाना भाई, ब्राउन तो हर बंदे ही करवाता है, थोड़ा यूनिक पे जाओ। क्यों तेरे बाल कट रहे हैं? काट दिए बाल तो ये क्या पहली बार लग गए हैं? मेरे तो सॉल्ट के हैं। तू क्या जपिया डालता रहे उसके साथ? भाई ये मेरे तो सॉल्ट पे बने हैं। ये क्या कर रहे हो यार तुम? शर्ट क्यों उतार रहे हो? कोई नहीं उतार रहा है। नहीं उतारो शर्ट, चलो पहनो दोबारा। पहनो पहनो दिखा रहे हो तुम। पहनो पहनो। कैमरा बंद करो फिर पहनूंगा शर्ट। है कैमरा बंद कर दे, कैमरा बंद कर, कैमरा बंद। फाइनली जी मेरा हेयर कट हो गया है। आपके भाई ने पिंकी हेयर कट करवा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। आई नो कि मैं बहुत प्यारा लग रहा हूँ। ये करवाना है इस तरह के हेयर कट? हाँ ऐसे लोग तरसते हैं। ये मेरा नया स्टाइल है। मैं कह रहा था ना दोपहर के टाइम ही आपसे कि भाई अभी मैं कुछ यूनिक करूँ। ये भी करवा रहा था। मैं यूनिक फैक्ट्री से। अच्छा तुम्हें पता है मेरे मोबाइल का कैमरा तुम्हारे पर फोकस ही नहीं कर रहा। तुम तो बंदों की लिस्ट में आते ही नहीं। मेरे पास सैमसंग M20 एस्ट्रो अल्ट्रा 5 है। ये क्या है, नया है अभी फोन? बॉस ने कहा है कि बालों को अभी दम भी लगेगा, लगा दो बॉस दम। ये बालों को लग गया है जी दम। ये दम कब खोलना है? ये 4 घंटे बाद। 4 घंटे बाद? 4 घंटे बाद। चलो ठीक है ओके। चलो तुम्हें भी लग गया दम? बेकरी में बिस्कुट बना के आते हैं। नहीं मैं तो नान लगाने जा रहा हूँ। ये भाई की ख्वाहिश थी जी कि मैं व्लॉग में लूँ। ओके बॉस क्या नाम है आपका? साइम। अच्छा नाम है यार, वैसे भी आप क्यूट हो माशाल्लाह। अभी सलोन से फ्री होकर आ गए हैं हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए। भी बहुत ज्यादा है और क्रिकेट खेलने का जुनून भी बहुत ज्यादा है हमें, बिकॉज लास्ट कोई 20-25 दिनों से हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेली। ये स्पोर्ट्समैन पहले गेम भी खा रहे हैं फिर बाद में खेलना शुरू करेंगे। यार तुम लोग बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन हो, ये इनके ना फिट रहने का राज ही है। क्या है यार खुल ही नहीं रही, पता नहीं क्या सीन है, शायद ये दूसरे हाथ से खुलेगी। एक अभी यार मैं ना दरअसल हाथ गलत से खोल रहा था गाड़ी, इसलिए गाड़ी खुल नहीं रही थी। तो अभी हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलकर फ्री हो गए हैं। मैं जाऊंगा अपने ससुराल और कमल को वहां से पिक करूंगा, फिर जाऊंगा अपने घर। अभी मैं पहुंच गया हूं कमल के मैके और यहां से कमल को पिक करूंगा, फिर जाऊंगा वापस अपने घर। अभी मुझे बरार यहां गाड़ी पर उतार गया, फिर कमल चूंकि आई हुई है दूसरी गाड़ी पर, दूसरी गाड़ी पर मैं ड्राइव करके उनको भी घर ले जाऊंगा और खुद भी घर चले जाऊंगा। अभी जी फाइनली मैंने पिक कर लिया है कमल को, इसको की नींद आ रही है और वो सो रही है, इधर भी सो रही है, ये तो सो रहे हैं, मैं जाग रहा हूँ और ड्राइविंग कर रहा हूँ, बिकॉज अभी हम लोग घर की तरफ रवा दवा हैं। अभी मैंने बारबर को हाँ तो कर दी थी कि मैं ये सुबह खुलवा लूंगा जितने भी आपने क्लिप्स वगैरह लगवाए, लेकिन यकीन करें मेरा सर इस वक्त इस कदर दर्द हो रहा है ना कि मेरा दिल कर रहा है इनको मैं ना उखाड़ कर फेंक दूं बस। लेकिन खैर अभी तो बारबर की शॉप भी बंद हो गई होगी, तो अभी मैं सुबह ही जाऊंगा इन क्लिप्स को खुलवाने। सुबह उठते ही सबसे पहले ना इनको खुलवाने जाऊंगा और अभी मैं पैनाडोल खाता हूँ।